नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत पुनः एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में तत्वों से तत्वों में एक्टिनाइड संकुचन अधिक होता है या अधिक है, क्यों? पुनः इस प्रश्न को जानें। लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में तत्वों से तत्वों में एक्टिनाइड संकुचन अधिक होता है, क्यों या अधिक है, क्यों? तो आइए इस प्रश्न को हम पेरियोडिक टेबल के माध्यम से जाने तो आइए इस प्रश्न को हम पेरियोडिक टेबल के माध्यम से जाने तो लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में एक्टिनाइड संकुचन एक तत्व से दूसरे तत्व में अधिक होता है। पुनः जाने, लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में एक्टिनाइड तत्व में एक तत्व से दूसरे तत्व में संकुचन अधिक होता है। इसका मुख्य कारण, लैंथेनाइड में आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है, जबकि एक्टिनाइड में आने वाला इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करता है। तो लैंथेनाइड के 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में एक्टिनाइड का 5f इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। परिरक्षण प्रभाव अर्थात इसको हम संक्षिप्त में जाने, परिरक्षण प्रभाव इलेक्ट्रॉनों को नाभिक से दूर खींचता है, जबकि नाभिकीय आकर्षण इलेक्ट्रॉनों को अंदर खींचता है। तो परिरक्षण प्रभाव कम होगा तो नाभिकीय आकर्षण अधिक होगा, और नाभिकीय आकर्षण अधिक होगा तो परमाणु का आकार छोटा होगा। तो लैंथेनाइडों की तुलना में एक्टिनाइड में परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है। परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होने की वजह से लैंथेनाइड संकुचन अधिक होता है। पुनः जाने, लैंथेनाइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में प्रवेश करता है, जबकि एक्टिनाइड का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करता है। तो लैंथेनाइडों के 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में एक्टिनाइड का 5f इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता है, और परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होने की वजह से नाभिकीय आकर्षण अधिक होगा, और नाभिकीय आकर्षण अधिक होने की वजह से परमाणुओं का आकार छोटा होगा। अतः कह सकते हैं लैंथेनाइडों की तुलना में एक्टिनाइडों में संकुचन एक तत्व से दूसरे तत्व में अधिक होगा। आइए इस प्रश्न को हम पुनः जाने तो लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच एक्टिनाइड संकुचन अधिक होता है। लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में लैंथेनाइडों में संकुचन अर्थात परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणुओं का आकार छोटा होती जाता है, इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। संकुचन को हम संक्षिप्त में जाने, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणुओं का आकार छोटा होना संकुचन कहलाता है। तो लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में एक्टिनाइड संकुचन अधिक होता है, कारण लैंथेनाइड का 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में एक्टिनाइड में 5f इलेक्ट्रॉनों का कमजोर परिरक्षण प्रभाव अर्थात 5f के इलेक्ट्रॉनों का कमजोर परिरक्षण प्रभाव का होना एक्टिनाइड संकुचन का मुख्य कारण है। तो हम पुनः इस प्रश्न को कह सकते हैं, लैंथेनाइड संकुचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के बीच एक्टिनाइड संकुचन अधिक होता है। इसका कारण, लैंथेनाइड के 4f इलेक्ट्रॉनों की तुलना में एक्टिनाइड में 5f इलेक्ट्रॉनों का कमजोर परिरक्षण प्रभाव का होना है। थैंक यू।